दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी ये बताते हैं कि पैसे कमाना है तो ये बातें कभी किसी को मत बताना, चाहे मौत ही क्यों ना आ जाए। लेकिन एक्चुअली में आचार्य चाणक्य जी ने ऐसा क्यों कहा था? क्या रहस्य छुपा है इस नीति के पीछे? तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। Hey beautiful people, welcome to Fundu Programming। मैं हूँ आपका दोस्त Fundu Boy। दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी ये बताते हैं कि हाथी को वश में करने के लिए अंकुश का इस्तेमाल किया जाता है, वहीं अश्व को संतुलित करने के लिए लगाम का उपयोग किया जाता है। लेकिन अगर हाथी पे लगाम कसकर उस पर सवारी करने की कोशिश करोगे तो आपका नीचे गिरना तय है। वहीं घोड़े पे अंकुश से प्रहार किया जाए तो वो बेचारा मर सकता है। इसलिए जिस प्रकार हर देवता को प्रसन्न करने के लिए भिन्न भिन्न प्रक्रिया होती है, ठीक उसी तरह भिन्न भिन्न प्रतिद्वंद्वियों को एक ही अस्त्र से वश में नहीं किया जा सकता। कोई समझाने से समझेगा, कोई लोभ के लालच में साथ देगा, कोई दंड से मानेगा तो किसी को भेद के तोड़ना होगा। इसलिए याद रहे कि शिव के मंदिर में नारायण की आरती नहीं गा सकते, जैसा देवता वैसी पूजा। और इसी साम नाम दंड भेद से पूरा संसार आज लक्ष्मी जी को संतुलित कर रहा है। इसलिए पैसा उसी के पास आता है जो इस नीति को बारीकी से इस्तेमाल करना जानता हो। जैसे कि एक बार एक गाँव में एक खदान थी, और रिसर्चर्स की माने तो वो पूरे देश को मालामाल कर सके उतनी बड़ी खदान थी। मगर इस बात की जानकारी गांव के सिर्फ दो लोगों को थी, बाकी गांव वालों को इस बात का कोई भी अंदाजा नहीं था। इसलिए ये दो लोग चुपचाप से खदान को खोद रहे थे, क्योंकि ये दो लोग बहुत ही ज्यादा लालची थे। इसलिए ये दोनों ही इस खदान पे अपना कब्जा जमाना चाहते थे, जिसके लिए वो अपना पूरा टाइम मनी एंड एफर्ट लगा रहे थे। मगर इस बात की भनक कुछ गाँव वालों को हो गई कि भाई पक्का यहाँ पे इस खदान में कुछ ना कुछ तो जरूर है, तभी ये लोग अपना इतना ज्यादा टाइम यहाँ पे लगा रहे हैं। तो इसलिए गाँव के कुछ बहादुर लोगों ने रिस्क उठाकर इस खदान में खुदाई करनी स्टार्ट की। अब इस खदान की एक बहुत बड़ी समस्या ये थी कि यहाँ पे खुदाई के समय पे कभी भी भूकंप आ सकता था, और ये बात सभी लोग जानते थे। इसलिए रिक्स तो ऑब्वियसली था यहाँ पे, और ये दो लालची लोग भी पहले से इसे जानते थे, और इसीलिए उन्होंने तो इस मुसीबत से कैसे बचना है उसकी तैयारी भी कर ली थी। मगर ये सेकंड कैटेगरी वाले लोगों ने ऐसी कोई तैयारी नहीं की हुई थी, वो तो बस अपनी गट फीलिंग के बेस पे अंधाधुंध खुदाई कर रहे थे। मगर वहीं जो ये तीसरी कैटेगरी के लोग थे, वो तो इस खदान के पास भी जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि इन दो लालची लोगों ने गांव के बाकी लोगों को इस खदान में आने से रोकने के लिए ऐसी ऐसी भयानक डरावनी कहानियां बना करके रखी थी कि जिसको सुन के गांव के बाकी 96% लोगों ने तो इस रिस्क की जगह के बारे में सोचना ही छोड़ दिया था। यानी कि इन दो लालची लोगों ने बड़ी ही चतुराई से अपने कॉम्पिटिशन को ऑलमोस्ट खत्म ही कर दिया था। क्योंकि ये बात तो सच थी कि इस खदान में भूकंप तो आता था, मगर वो उतना फ्रिक्वेंटली नहीं आता था, और आता भी था तो वो इजीली मैनेज किया जा सकता था। मगर ये बात उन दो लोगों ने किसी के कानों तक पहुंचने ही नहीं दी। अब एक दिन क्या हुआ कि एक दिन सच में उस खदान में भूकंप आ गया। अब जैसे ही उस खदान में भूकंप आया कि तुरंत ही उन दोनों लोगों ने चिल्ला चिल्ला के खदान के दर को और भी ज्यादा बढ़ा दिया, और वो दर की दहशत इतनी ज्यादा बढ़ गई कि ये जो कुछ लोग रिस्क लेकर खदान में खुदाई कर रहे थे, वो भी अपनी जान बचाने के लिए सब छोड़कर भाग गए। और जो बाकी के 96% लोग थे जो इस खदान के पास भी जाना नहीं चाहते थे, उनके साथ जाकर वो भी छुप गए। और अब तो भाई इस भूकंप को एक्सपीरियंस करने के बाद इनमें से एक भी इंसान उस खदान के बारे में सोचने से भी डरने लगा। मगर अब एक्चुअली में हुआ क्या कि भूकंप आने की वजह से खदान में दबा हुआ सारा सोना धरती की ऊपरी सतह पे आ गया। अब ये बात ये दो लालची लोगों ने ऑलरेडी एनालाइज की हुई थी, इसलिए जैसे ही भूकंप का असर थोड़ा कम हुआ कि तुरंत ही इन दोनों लोगों ने सारे सोने पे अपना कब्जा जमा लिया। लेकिन दोस्तों, कहानी में अभी ट्विस्ट बाकी है, क्योंकि इसके बाद असल जिंदगी में आप मुझे खुद बताना कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हो। तो दोस्तों, एक्चुअली में ये खदान हमारे इंडिया का स्टॉक मार्केट है, जहाँ पे करोड़ों अरबों रुपए का सोना दबा हुआ है। और जो ये दो लालची लोग हैं, जिनका मैं नाम नहीं लूंगा, वो परसों से इस मार्केट पे कुंडली मार के बैठे हुए है, जो हर दिन हर साल करोड़ों अरबों रुपया मार्केट से अपने घर लेकर जा रहे है। मगर ये नहीं चाहते कि ये बात किसी और को भी पता चले, इसलिए ये लोग किसी ना किसी बहाने से अपना कॉम्पिटिशन खत्म करने के लिए पूरे देश की जनता को बड़ी बड़ी और डरावनी कहानियों से डरा करके रखते हैं। मगर फिर भी कुछ बहादुर लोग थोड़ा सा रिस्क लेकर इस मार्केट में कदम तो रखते हैं, मगर जैसे ही मार्केट में कोई हलचल होती है कि तुरंत ही ये लालची लोग अफवाहों और डर का ऐसा भयानक माहौल पैदा कर देते हैं कि ये बेचारे रिस्क लेकर आए हुए कुछ लोग फिर से भागकर देश के बाकी 96% लोग जो इस मार्केट के करीब तक नहीं आना चाहते हैं, उसके साथ जाकर छुपकर बैठ जाते हैं। इसलिए आज 96% इंडियन लोगों के पास अपना एक सिंपल सा डीमैट अकाउंट तक नहीं है, क्योंकि इनके मन में कुछ लालची लोगों ने कुछ ऐसा डर बिठा दिया है कि वो गलती से भी सोने की खदान के करीब तक जाना नहीं चाहते। इसीलिए ऐसे लालची लोग दिन ब दिन और भी ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं, जबकि गरीब और भी ज्यादा गरीब होता जा रहा है। इसलिए इस चेन को, इस भ्रम को तोड़ने के लिए मोतीलाल ओसवाल हम सब के लिए एक फ्री सर्विस
सर्विस लेकर आई है ताकि वो इस 96% लोगों को भी इक्वल मौका दे सके इस खदान से सोना निकालने का, क्योंकि मोस्टली बिगिनर्स शुरुआत में प्रॉपर नॉलेज एंड लैक ऑफ प्रोफेशनल एडवाइजर ना होने की वजह से ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग में काफी मुसीबतों का सामना करते हैं। इसलिए आज मोतीलाल ओसवाल हमारे लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर आई है। मोतीलाल ओसवाल का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपको स्टॉक मार्केट एंड इन्वेस्टमेंट की कई सारी फ्री एजुकेशनल वीडियोस और फ्री एक्सपर्ट फाइनेंशियल एडवाइजर भी उपलब्ध करवाती है। साथ ही साथ मोतीलाल ओसवाल हमारे फंडो प्रोग्रामिंग के सब्सक्राइबर को फ्री डीमैट अकाउंट विद जीरो मेंटेनेंस चार्ज की बेहतरीन सुविधा भी दे रही है, जहां पे आप अपने पैन कार्ड, आधार कार्ड और अपने बैंक अकाउंट डिटेल के साथ फ्री में ही डीमैट अकाउंट ओपन करके आज से ही इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हो। और अभी अकाउंट बनाने पर आपको 25,000 वर्थ बास्केट विच इंक्लूड्स ऑल द AI बेस्ड टूल्स एंड 1 month फ्री ब्रोकरेज का भी बेनिफिट मिलेगा, जिससे कि आप इन्वेस्टमेंट की सही जानकारी के साथ इफेक्टिव तरीके से अपनी सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग आज से ही कर सको। और ये सारी चीजें आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पे ही मिलेगी, क्योंकि इनकी मोबाइल ऐप आपको हर छोटे से छोटी चीज की रियल टाइम नोटिफिकेशन एंड अपडेट्स कंटिन्यूसली देती ही रहती है, जिससे कि आपके हाथ से अपने फ्यूचर को ब्राइट करने का एक भी मौका गलती से भी ना निकल जाए। इसलिए मोतीलाल ओसवाल पिछले 30 सालों से एक ट्रस्टेड ब्रांड के तौर पर मार्केट में अपना एक मजबूत दबदबा बना पाई है और आज 22 लाख से भी ज्यादा कस्टमर्स इनकी ये बेहतरीन सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। तो अगर आप भी इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहते हो तो अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए और अपना नाम, नंबर और सिटी एंटर करके मोतीलाल ओसवाल के साथ आज ही अपनी इन्वेस्टमेंट की एक सेफ एंड सिक्योर जर्नी को स्टार्ट कीजिए। अब दोस्तों आप मुझे अभी कमेंट करके ये जरूर बताओ कि आप इन 3 कैटेगरी में से कौन सी कैटेगरी में आते हो। वहीं अब अगली नीति आचार्य चाणक्य जी ये बताते हैं, निंद्रा भोजन भोग भय सब नर पशु समान, नान अधिक एक नरण मेक नान बिना पशु जान। यानी कि नींद, भोजन और संभोग तो इस दुनिया में इंसान और जानवर एक ही तरीके से करते हैं, मगर इस दुनिया पे राज वही करता है जो सही मायने में अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना जानता हो। अब जैसे कि एक बार एक इजिप्शियन राजा के 2 बेटे थे और इन दोनों को इजिप्शियन सियाशेट का अगला राजा बनना था। इसलिए राजा ने इन दोनों बेटों को एक एक पिरामिड बनाने को कहा और जो बच्चा सबसे पहले और बेहतरीन तरह का पिरामिड बनाकर लेकर आएगा वो उसे ही राजा बनाएंगे, ऐसा राजा ने आदेश दिया। अब ऐसा सुनते ही पहला वाला बच्चा तो जल्दी से भागा और भारी भारी पत्थर उठाकर पिरामिड का बेस क्रिएट करने लगा, मगर ये बेस तैयार करने में इस बेचारे बच्चे को 1 साल लग गया। मगर वही छोटे वाले भाई ने तो अभी तक कोई काम स्टार्ट नहीं किया था, ना ही वहाँ पे कोई पत्थर था और ना ही पिरामिड बनाने का कोई सामान था, क्योंकि वो तो अपने घर के गैराज में कुछ और ही काम कर रहा था। जिसे देखकर ये पहला वाला भाई तो बहुत ही ज्यादा खुश हो गया और उसने तो अब जल्दी से उस बेस के ऊपर सेकंड लेवल के बड़े बड़े पत्थर रखने का काम भी शुरू कर दिया। मगर ये बड़े वाले पत्थर काफी ज्यादा भारी थे, इसलिए उसे उठाने में इस बड़े भाई की जान निकली जा रही थी। इसलिए उसने अपनी मसल पावर को स्ट्रॉन्ग करने की सोची और उसके लिए वो ट्रेनिंग करने के लिए एक ट्रेनर के पास चला गया। लेकिन इस बीच में छोटे वाले भाई ने अपनी एक वेट लिफ्टिंग मशीन बना डाली, जो कि बड़े से बड़े पत्थर को भी बड़े ही आराम से लिफ्ट करके पिरामिड का काम बिना कोई एक्स्ट्रा एफर्ट के कर सकता था। इसलिए जिस काम को पूरा करने में बड़े वाले भाई को 1 साल लगा था, अब उसी काम को छोटे वाले भाई ने बड़ी ही चतुराई से 2 दिन में ही खत्म कर दिया। और अपनी इसी मशीन से इस छोटे वाले भाई ने बस कुछ ही महीने में एक मजबूत और शानदार पिरामिड बना डाला और उसे इजिप्शियन सियाशेट का नया राजा बना दिया गया। और इस छोटी सी उम्र में वो इतना ज्यादा अमीर बन गया कि उसे फिर कभी काम करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। अब दोस्तों यहाँ पे देखा जाए तो दोनों ही भाइयों ने मेहनत तो बहुत की थी, मगर यहाँ पे पहला वाला भाई सिर्फ अपने शरीर के दम पे मेहनत कर रहा था, जिसे की सफलता तो उससे भी मिलती मगर उसके लिए उसे कितना समय लगेगा उसका कोई अंदाजा नहीं था। जबकि वही छोटे वाले भाई ने शरीर से ज्यादा बुद्धि का इस्तेमाल किया, जिससे कि उसने एक ऐसी मशीन बना डाली जो ना सिर्फ उसे कम मेहनत में एक पिरामिड बना करके देती थी, मगर अब वो उसी मशीन का इस्तेमाल करके बाकी लोगों के कंपैरिजन में हजारों पिरामिड बना सकता था। और अपनी इसी सिस्टम बेस्ड थिंकिंग वाले लोग ही असल जिंदगी में भी अर्ली एज रिटायरमेंट लेकर अपनी पूरी जिंदगी एक राजा की तरह बिताते हैं, जबकि वही सिर्फ अपने शरीर से मेहनत करने वाले लोग बस पूरी जिंदगी एक गुलाम बनकर ही रह जाते हैं। तो दोस्तों आप कौन सी कैटेगरी में आते हो, आप अपना जवाब मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगली नीति में आचार्य चाणक्य जी ये बताते हैं कि उल्लू दिन में देख नहीं सकता, इसमें भला सूर्य का क्या दोष, करेल के पेड़ पे पत्ते नहीं आते और ना ही फूल खिलते हैं, तो इसमें भला बसंत ऋतु का क्या दोष, उसी तरह चातक के मुंह में वर्षा का एक बूंद पानी भी नहीं जाता, तो उसमें भला बादलों का क्या दोष, जबकि प्रकृति इन सबको फलने फूलने का एक समान एक तरीके का मौका देती है, मगर ये बेचारे इस मौके का इस्तेमाल ही नहीं कर
करते तो इसमें भला भाग्य का क्या दोष। उसी तरह धन कमाने के मौके सबके पास होते हैं, मगर इस मौके का इस्तेमाल ना करने वाले लोग अगर जिंदगी भर गरीब ही रह जाए तो इसमें भला भाग्य विधाता का क्या दोष। वहीं अब अगली नीति में आचार्य जी ये बताते हैं कि हाथी बूढ़ा होने पर भी चंचल रहता है, वहीं सोना आग में जाने के बाद भी अपनी चमक नहीं भूलता है, वैसे ही गन्ना कुल्हू में पिसने के बाद भी अपनी मिठास नहीं छोड़ता है। ठीक उसी तरह धन कमाने का ज्ञान रखने वाला इंसान कभी भूखा नहीं मरता। ऐसा इंसान दुनिया के किसी भी कोने में जाकर अपना साम्राज्य फिर से खड़ा कर सकता है, मगर शर्त बस इतनी सी है कि वो ज्ञान को अर्जित करने के लिए तैयार होना चाहिए। इसलिए दोस्तों मैंने आप सबके लिए कुछ बेहतरीन फाइनेंशियल नॉलेज की किताबों का लिस्ट बनाया है, जिसने मुझे पर्सनली इस रैट रेस से बाहर निकलने में बहुत ज्यादा मदद की है, जो आई एम श्योर कि आपको भी 100% मदद करेगी, जिसकी पूरी जानकारी एंड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से हमें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको हर हफ्ते ऐसे ही इंस्पायरिंग एंड नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए मिल सके। एंड एट लास्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।